रसिया यूक्रेन युद्ध को एक साल से ज्यादा हो गया है, पर ना रसिया रुकने का नाम ले रहा है ना यूक्रेन। यूक्रेन पश्चिम देशों के द्वारा दिए गए हथियारों और उनकी वित्तीय मदद की सहायता से अभी तक युद्ध में बना हुआ है। वहीं मीडिया रिपोर्ट से यह खबर सामने आई है कि काला सागर में रूस के सुकोई 27 विमान ने अमेरिका के MQ रीपर ड्रोन को मार गिराया है, जिसका दोनों देश अमेरिका और रसिया ने बयान जारी कर एक दूसरे पर आरोप लगाया है। इस घटना को भड़काऊ बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। आपको बता दें कि MQ-9 एक बड़ा और आधुनिक मानव रहित विमान होता है, जिसे दो व्यक्तियों की टीम द्वारा रिमोट से संचालित किया जाता है। इसमें ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन और सैटेलाइट उपकरण भी शामिल होते हैं। इसका 66 फुट यानी कि 20 मीटर लंबा विंग स्पैन होता है। इसका ज्यादातर सर्विलियंस के लिए इस्तेमाल होता है, पर इस पर हथियार भी लोड किए जा सकते हैं। अमेरिका के अनुसार MQ-9 रीपर ड्रोन से अमेरिका एक नियमित सर्विलियंस मिशन चला रहा था। यह ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर नियमित उड़ान भर रहा था कि वहां पे दो रूसी सुकोई 27 विमानों ने उसे पहले घेरा, फिर 30 से 40 मिनट तक कई बार ड्रोन के सामने और उसके आसपास उड़ान भरी, फिर उस पर फ्यूल गिरा दिया। इसके बाद इन दो में से एक सुकोई 27 विमान ने MQ-9 के प्रोपेलर को टक्कर मार दी, जिसके बाद ड्रोन सीधा काला सागर में जाकर गिर गया। वहीं रूस के अनुसार अमेरिकी ड्रोन रूसी सीमा के पास उड़ रहा था। वह ऐसे क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर है। उसने अपना ट्रांसपोंडर भी बंद कर लिया था, जिससे उसे ट्रैक नहीं किया जा सके। इसीलिए उसे रोकने के लिए रूस ने अपने दो सुकोई 27 विमानों को भेजा था, लेकिन उनका विमान अमेरिकी ड्रोन से नहीं टकराया, बल्कि अमेरिकी ड्रोन हवा में तीव्र गति से टर्न लेने के परिणाम स्वरूप ऊंचाई में बेकाबू होकर पानी की सतह से जा टकराया। रूस ने कहा कि वह अमेरिका से टकराव नहीं चाहता, पर अमेरिका का इस तरीके से उसकी सीमा के पास मिशन करना उसके लिए एक भड़काऊ कार्य है। वहीं अमेरिका ने रूसी एयरफोर्स के इस रवैये को बेहद गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बताया है। अमेरिका ने कहा कि इसे प्रोफेशनल वर्कआउट भी नहीं कहा जा सकता, इससे रूस के दोनों एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो सकते थे। पर अब इन दोनों देशों में से कौन सच बोल रहा है इसका तो पता नहीं, लेकिन अब इससे दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल थिंक्स अराउंड यू।